अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चुनावी माहौल में अपनी उपेक्षा से खिन ब्राह्मण समाज ने भाजपा के प्रति बगावत का बिगुल बजा दिया है। टिकट काटे जाने के बाद राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान द्वारा पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने की घटना ने इसमें आग में घी का काम किया है। आज विभिन्न ब्राह्मण संगठनों द्वारा आहूत बैठक में 5 फरवरी को 21 कुंडे यंग करने व संजीव बालियान द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी न मांगे जाने पर चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि एक जाति विशेष की राजनीति पर केंद्रित संजीव बालियान ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा शांत होकर देख रही है। आइए पहले देखते हैं वह वीडियो जिसमें संजीव बालियान को पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देखा जा रहा है। सुनील बाला जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आज ब्राह्मण एकता समिति के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने फर्स्ट पार्ट को यह जानकारी दी। मेरा नाम पंडित आशु शर्मा है और ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज मेरठ जनपद के समस्त ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक आज यहाँ गड़दौड़ पर आयोजित की गई और जिसका मुख्य उद्देश्य पिछले लगभग कई दिनों से जो सोशल मीडिया पे एक भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के द्वारा जो एक पूरा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पंडितवाद मुर्दाबाद का नारा मेरठ की एक जनसभा में लगा रहा है और वो लाइव चल रही थी, उसके विरोध में आज ब्राह्मण समाज के समस्त प्रबुद्ध जन जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद रहे इन सबके साथ बैठ के उसमें विरोध प्रकट किया गया, रोष प्रकट किया गया और हम लोगों ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार ब्राह्मण समाज का दमन करने का काम कर रही है, ब्राह्मण समाज को नीचे पहुँचाने का काम कर रही है, पिछाड़ने का काम कर रही है, ब्राह्मण समाज ने हमेशा पूर्ण रूप से सहयोग भारतीय जनता पार्टी का करा है, प्रत्येक चुनाव के अंदर करा है, तन मन धन से करा है, लेकिन अब ब्राह्मण समाज के मन में बहुत ज़्यादा रोष की भावना है और उस रोष की भावनाओं में आज ये तय किया गया है सब लोगों के सहयोग से कि 5 तारीख को बसंत पंचमी वाले दिन ब्राह्मण समाज बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होगा जनपद के अंदर और प्राचीन चंडी मंदिर जो नौचंदी के अंदर स्थित है वहाँ पर 21 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन करेगा और संजीव बालियान और भारतीय जनता पार्टी ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल बनाया उसके विरोध में वहाँ पर हवन का आयोजन करके शपथ लेगा। हमने ये कहा है जो ब्राह्मणों का सम्मान करने का काम करेगा, ब्राह्मण उसके साथ जाने का काम करेगा। कैंट विधानसभा के अंदर आज ब्राह्मण समाज ने अपना पूर्ण समर्थन कैंट के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अमित शर्मा को देने का काम करा है और शहर विधानसभा के अंदर हम लोगों ने ये राय बनाई है क्योंकि संजीव बालियान ने जिस तरह का बयान दिया है और शहर प्रत्याशी ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया है, आज यहाँ सब आमंत्रित किए गए थे तो शहर पर रंजन शर्मा को पूरा समर्थन आज हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।